झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद प्रत्याशी अपनी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। झरिया विधानसभा में भी आज कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। झरिया कतरास मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के झरिया विधानसभा प्रत्याशी रागनी सिंह और चुनाव प्रभारी नीतीश कुमार के अगुवाई में केडी पांडे सहित कई अन्य लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सभी को रागनी सिंह ने माला एवं भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान रागनी सिंह ने कहा कि कुछ लोग पार्टी और सिंह मिशन को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे व फिर से हम लोगों पर भरोसा जताते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी का गठबंधन में स्वागत करते हैं। चुनाव प्रभारी नीतीश चंद्रवंशी ने कहा कि प्रत्याशी रागनी सिंह के ऊपर अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं झरिया विधानसभा में जहां भी जा रही हैं, जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार 1.25 लाख मतों से जीत सुनिश्चित है। झरिया की जनता को एहसास हो चुका है कि हमने क्या भूल किया है और 5 सालों में क्या खोया है। इस बार जनता मन बना चुकी है, झरिया में परिवर्तन की लहर बनने लगी है। वहीं केंडी पांडे ने कहा कि किसी कारणवश हम लोग दूसरे दलों में चले गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य भाजपा और रागनी सिंह पर विश्वास जताते हुए पुनः भाजपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि केडी पांडे सिंह मिशन का गहरा रिश्ता था। वह विधायक सूर्यदेव सिंह, कुंती सिंह और संजीव सिंह के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस का दामन। बड़ी बात नहीं है, ये पुराने थे और हमारे घर के गार्जियन जैसे थे और लंबे समय से यहाँ थे, हमारे संगठन में अभिभावक थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए चले, मानते यही बोले कुछ दिनों के लिए कहीं गए थे, हो सकता है, लेकिन फिर अपने घर वापसी किए। भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जताई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज के डेट में लोग भारतीय जनता पार्टी पर आस्था जता रहे हैं। तो आज इन्होंने भी कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा, ये JMM कांग्रेस के जो सरकार में इस बार पूरे झारखंड में, ये क्या पूरे झारखंड की जनता मायूस है और इस सरकार से लोग मायूस होकर, सभी लोग मायूस हैं और इस सरकार से मायूस होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आस्था जताया और फिर अपने पुराने घर वापसी किए। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इनके साथ सभी हमारे पुराने साथीगण आए हैं, सभी हमारे अभिभावक ही हैं, कोई नया है, जो हमारे घर के पुराने अभिभावक थे, हमारे भाई थे, पुराने हमारे साथीगण थे, सभी लोग वही वापस।